गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टुडेज टॉपिक इज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस पब्लिक एंटरप्राइजेस। बेटा, पब्लिक सेक्टर के जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उनकी हमने कंपैरेटिव स्टडी करनी है। बेटा, कल के टॉपिक में मैंने आपको कुछ पॉइंट करवाए थे, आज के टॉपिक में हमारे जो बचे हुए पॉइंट हैं वो बचे हुए पॉइंट हम इसके पार्ट नंबर 2 में देखेंगे। और ये डिफरेंस भी हम बेसिस ऑफ डिफरेंसेस की हेल्प से करेंगे और टी शेप में हम ये डिफरेंसेस करेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस अगला है हमारा बेटा अपॉइंटमेंट। पहला जो है वो डिपार्टमेंटल को लेंगे, दूसरा पब्लिक को लेंगे जिसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं, तीसरा हम गवर्नमेंट कंपनी को लेंगे। और बेसिस ऑफ डिफरेंस जो पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे इन तीनों पे, उसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस का पॉइंट है अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स का मतलब होता है इसकी नियुक्तियां कैसे होती हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऑल इम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह माना जाता है। इसका मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसके एग्जाम्पल आपको याद होगा बेटा, रेलवे एग्जाम्पल था, पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था, तो इन डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज होंगे उन एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। और बेटा, जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है जिन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी कहते हैं, इनके अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं? अपॉइंटमेंट बाय देयर ओन रूल्स। इनके अपॉइंटमेंट के इनके खुद के अपने रूल होते हैं, खुद के अपने रूल होते हैं। ऑल एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पब्लिक कॉर्पोरेशन के या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे, इनके अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अपॉइंट करेंगे और ये एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह रोल प्ले नहीं करते। बेटा, डिपार्टमेंटल के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह रोल प्ले करते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह रोल प्ले नहीं करते। गवर्नमेंट कंपनीज में अपॉइंटमेंट्स बाय देयर ओन रूल्स, गवर्नमेंट कंपनीज में भी अपॉइंटमेंट इनके खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ऑल एम्प्लॉयज आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इनके भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह एम्प्लॉय नहीं होते। इसका मतलब बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह होते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं होते, गवर्नमेंट कंपनीज के भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं होते। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नो का क्या मतलब है? कि इनका अलग से कोई भी कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता। बेटा, यहाँ कानूनी उत्तरदायित्व नहीं है, इसका मतलब तीन कंडीशन नहीं होंगी। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी रखनी है नाम से, नहीं रख सकते। पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, नहीं कर सकते। किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नहीं ले सकते। लेकिन बेटा, पब्लिक कॉर्पोरेशन की हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी अपनी अलग से लीगल लेवल की एंटिटी होती है। इसका मतलब नाम से प्रॉपर्टी रख सकते हैं, किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना है या एक्शन लेना है, कोर्ट के खिलाफ जाना है, कोर्ट में मुकदमा दायर करना है तो किया जा सकता है। तो इनके पब्लिक कॉर्पोरेशंस में क्या आएगा? हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनीज भी सेम वैसे ही चलेगी इसकी तरह, हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट कंपनी की भी सेपरेट लेवल की लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रखनी है रख सकते हैं, पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी के खिलाफ लीगल लेवल का कोई एक्शन लेना है तो लिया जा सकता है। ये किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और कोई इनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहे तो ले सकता है। तो हैव सेपरेट लीगल एंटिटी गवर्नमेंट कंपनी की होती है, पब्लिक की भी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन डिपार्टमेंटल में हम क्या लिखते हैं? नो सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद बेटा बेसिस ऑफ डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट
है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। बेटा प्रशासनिक स्वायत्तता किसे होती है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में नो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इनके एडमिनिस्ट्रेटर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते, कंसर्न मिनिस्ट्री प्रॉपर रोल प्ले करती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में सम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की ऑटोनॉमी होती है, और यहाँ बेटा मच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, हद से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की ऑटोनॉमी होती है। इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें कुछ होती है, इसमें हद से ज्यादा होती है। उसके बाद है बेटा सूटेबिलिटी, कौन से एरिया के लिए ये सूटेबल माना जाता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वेयर सीक्रेसी इज पैरामाउंट एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज नील, जहाँ सीक्रेसी की हद से ज्यादा जरूरत पड़ती है और प्राइवेट लेवल का पार्टिसिपेशन नील ना के बराबर होता है। इसका मतलब जहाँ सीक्रेसी हमें चाहिए और प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उस एरिया के लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को सुटेबल माना जाता है। पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्ट्रेटजरी कौन से एरिया के लिए सुटेबल होती हैं? वेयर पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी, जहाँ बेटा पब्लिक को, पब्लिक के हितों को हद से ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पैसा भी हमें हद से ज्यादा चाहिए। इसका मतलब जहाँ पब्लिक के हितों की रक्षा करनी है और हद से ज्यादा कैपिटल का यूज करना है, उस एरिया के लिए पब्लिक कॉर्पोरेशन सुटेबल मानी जाती है। गवर्नमेंट कंपनीज कौन से एरिया के लिए सुटेबल मानी जाती हैं? स्पेशली वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टू बी एनकरेज, जहाँ बेटा इकोनॉमिक लेवल की एक्टिविटी को एनकरेज किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है? बिजनेस को, प्रोफेशन को, एम्प्लॉयमेंट को प्रोत्साहन दिया जाए, तो इकोनॉमिक लेवल की एक्टिविटीज को जहाँ पर हद से ज्यादा प्रोत्साहन देना है, वहाँ के एरिया के लिए गवर्नमेंट कंपनीज जो है सुटेबल मानी जाती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस का, एग्जाम्पल्स हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। एग्जाम्पल में आता है रेलवे आता है बेटा हमारा, पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट आता है, ऑर्डिनेंस लेवल की फैक्ट्री की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी के सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एग्जाम्पल में रोल प्ले करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशंस में स्टैट्यूटरी में LIC, RBI, FCI, IDBI, ONGC एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सी कॉर्पोरेशंस हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पब्लिक कॉर्पोरेशन के एग्जाम्पल में रोल प्ले करती हैं। गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल में HMTA, HSLF, STCA, कोल इंडिया एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट कंपनीज में रोल प्ले करती हैं। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने कंपैरेटिव व्यू किया था पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज में, जिसमें डिपार्टमेंटल, पब्लिक और गवर्नमेंट कंपनी का हमने डिफरेंस देखा था, और बचे हुए हमने पॉइंट किए हैं जो पहले वाले लेक्चर में हमने नहीं किए थे, अब इसमें हमने वो पॉइंट किए हैं। वो पॉइंट हमारे थे अपॉइंटमेंट का, सेपरेट लीगल एंटिटी का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का, सुटेबिलिटी का और एग्जाम्पल का। थैंक यू बेटा।